ओके देखिए, ये क्लास एट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमें बताना है कि यार ये ट्रू है या ये फॉल्स है स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? 3 times ऑफ ए नंबर इज 200% इंक्रीज इन द नंबर। मीन्स सपोज द नंबर बी एक्स, देन इट्स 3 times विल बी, देन चेंज इन द नंबर इज 2x, एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? 2x, जो 2x का चेंज हुआ वो x पे हुआ, तो जिस पे हुआ इट्स 200%। कह रहा है कि अगर एक नंबर का 3 times करते हो तो वो 200% होता है, तो क्या अगर उस नंबर का 1/3 करते हैं, उसी नंबर है जो भी हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था? x, तो क्या वो उस नंबर में 200% डिक्रीज ही होगा? तो अब उस x का जब आप 1/3 कर रहे हो, मींस x बाय 3 कर रहे हो, तो डिक्रीज कितने का है? x माइनस 2/3x का डिक्रीज है। किस पे है बेटा? x पे। तो 2/3 × 100% को जब आप सोल्व करोगे, 1/3 होता है 33.33%, तो 2/3 होगा 66.66666667% approximately। ये 200% तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसने ट्रू फॉल्स में पूछा कि क्या अगर 1/3 करोगे तो 200% डिक्रीज है। नहीं, वो कितना डिक्रीज होता है? 66.66, मतलब 67। तो मतलब ये बात उसकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। सबको समझ आया अच्छे से? तो ये बात क्या होगी? उसकी फॉल्स होगी।